प्रशांत महासागर के मध्य में नान मेडोल माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों का हिस्सा है। 92 कृत्रिम रूप से बने द्वीपों के विशाल टेपेस्ट्री से बना है जो सभी नहरों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार इसे प्रशांत का वेनिस भी कहा जाता है। द्वीप पर कब्रें भी हैं। द्वीप का रहस्य महापाषाण संरचनाएं हैं जो शहर का निर्माण करती हैं। दीवारों का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट लॉग से किया गया है जो एक प्रकार की ज्वालामुखी चट्टान है। विशाल लकड़ियां मीलों दूर से पोहनपेई में ले जाई गई और लॉग केबिन शैली में मेडोल पर क्षैतिज रूप से ढेर कर दी गई, जिससे 50 फुट ऊंची और 17 फीट तक मोटी दीवारें बन गई। यही इसका आश्चर्य है। इसे कैसे बनाया गया ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि प्रत्येक पत्थर का औसत वजन 5 टन है, कुछ का वजन 25 टन तक है। पत्थर और स्तंभ इतने भारी हैं कि पारंपरिक और मुख्य धारा के विद्वान अभी तक ये निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ या उन्हें किसने बनाया। ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि एलियंस ने इन्हें बनाया हो, क्योंकि द्वीप पर ऐसी कोई तकनीकी पहचान नहीं की गई है जो ये बताती हो कि लकड़ियां कैसे ऊपर उठाई गईं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि महापाषाण संरचनाओं के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास की आवश्यकता होती है, जो कि पिरामिडों की प्रतिद्वंदी है और संभवतः 25,000 निवासियों के पूरे द्वीप को भाग लेने की आवश्यकता होती है यदि वे स्वयं इसे बनाते हैं। नान मेडोल का अर्थ है स्थानों के बीच अपने उपनाम पर ये खरा उतरता है, क्योंकि ये सत्य और मिथक के बीच में फंसा हुआ प्रतीत होता है। जो बात मुख्य धारा के विद्वान नहीं समझा सकते वह स्थानीय मिथक समझा सकते हैं। क्विन देती है कि इस प्राचीन शहर के खंडर जो कभी रहस्यमय सभ्यता का घर था अज्ञात गलियारों से भरपूर हैं। वे चैनल मानव निर्मित द्वीपों को जोड़ते हैं और उनमें दिग्गजों के अवशेष और मृत राजाओं की आत्माओं वाली कब्रें हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बिल्डरों ने पत्थरों को द्वीप तक पहुंचाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था। स्थानीय किविंदगी कहती है कि मेडोल उनके आने से पहले ही वहां था। द्वीपवासी नहीं जानते कि इसे किसने बनाया, लेकिन वे कहते हैं कि पत्थर किसी तरह पोहनपेई से उड़े मानो भूतों के हाथों से हिले। इस प्रकार स्थानीय लोग मेडोल को भूतों का शहर भी कहते हैं। पोहनपेई के ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से स्तंभ बेसाल्ट का भंडार है, जिसमें ज्वालामुखीय लावा उधर्वाधर स्तंभों के रूप में ठंडा होता है।